तो क्या हाल है? खुश है या नहीं? देखो, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले खुश रहना है। बाकी जो होता है वो होता रहेगा। कुछ दिन से सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस आपको मिला है मेरे ही बारे में। मैं इसका अभी अंत करना चाहता हूँ कि क्या है एक्चुअली, क्या हुआ? लोगों का दिमाग में यही बात हो रहा है कि क्या हुआ। देखो, पिछले 10 साल से मैं स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा जिंदगी स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए है। माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। तो हमेशा मैं स्टूडेंट के साथ रहा हूँ और स्टूडेंट भी मुझे इतना प्यार दिया और इतना प्यार दिया जो मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। जब शादी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे सबसे पहला इनविटेशन भेजता है। जब इधर भी है, उल्टा तरफ भी है, कुछ स्टूडेंट सुइसाइड करने गया तो लास्ट होप एज ए लास्ट कॉल मुझे किया एंड उसके बाद हमने सुलझाया। तो ये जो चीज़ है, स्टूडेंट का जो भरोसा है एंड स्टूडेंट का जो विश्वास है मेरे प्रति, इसके लिए मैं मतलब सच्चे दिल से सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल से मैं मेडिजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ। यहाँ का चाहे ऑफिस बॉय हो, गार्ड्स हो, ड्राइवर्स, एचआर टीम, कंटेंट टीम, फाइनेंस टीम, हमारा वेब टीम, सबके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा और रहेगा। जो ओनर है बी सिंह सर, बहुत ही अच्छा आदमी है। उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे 10 साल सर्व करने के लिए एंड इस 10 साल में बहुत सारे अच्छा टाइम आया, बुरा टाइम आया, लेकिन हमेशा उन्होंने हमें साथ दिया। इसलिए मैं सच्चा दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फैकल्टीज, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे कोई दूसरा ब्रांच का हो, सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर घर में, हर रिश्तेदार में ऐसे एक दो ऐसा लोग होता है जो हमेशा निगेटिविटी फैलाता है। आपने देखा होगा, कोई भी शादी में जाओ, एक दो रिश्तेदार ऐसे मिल ही जाता है जिसको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। शादी में जितना भी स्वादिष्ट खाना बने उसको स्वाद नहीं आता है। तो ऐसे इस ऑर्गेनाइजेशन में भी है, एक दो फैकल्टी ऐसा है। मैं उनके लिए भी बोलूँगा कि वो भी निगेटिविटी फैलाना बंद करें। स्टूडेंट अभी ऑलरेडी बहुत परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक में है, उन लोगों के बीच में ये नॉनसेंस टाइप का चीज़ क्रिएट ना करें और मेरे से जेलास होके कुछ भी एक्शन ना ले। मैं यही बात बताना चाहता हूँ, उनको भी बोलना चाहता हूँ, वो भी खुश रहे। और उसके बाद जितना एनर्जी ऊर्जा लोगों को निगेटिविटी फैलाने में लगाया जा रहा है, उतना एनर्जी ऊर्जा अगर वो स्टूडेंट को गाइड करने में लगाएंगे तो सही में देश का भलाई होगा। दूसरा बात है कि जब इतना ही है तो क्यों? ये जो क्यों है, इसका आंसर बिल्कुल है, क्योंकि देखो, मेडिजी में जितना लोग पढ़ाई किए हो सबको पता है, हमारा ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमें खड़े होकर क्लास लेना पड़ता है। बड़े बड़े बोर्ड होता है, बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड होता है, तो उसमें खड़े खड़े क्लास लेना पड़ता है। आप 10 साल से बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, ठीक है, सुबह से रात तक लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग हमने किया, तब कोई तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरा लेग्स में, पैर में सीवियर पेन होने लगा। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने साफ साफ मना किया, भाई आप ये ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिए, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स आप कम करिए। तो तब हमने
जुगाड़ लगाना शुरू किया क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन, अल्टरनेट सोल्यूशन। तो हमने देखा कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में हम बैठ के पढ़ा सकते हैं। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, तब तक हम कैसे स्टूडेंट को गाइड करेंगे? मेरे ऊपर इतना स्टूडेंट भरोसा करते हैं, उसको सपोर्ट करना, उसको गाइड करना मेरा फर्ज है एंड मुझे वो निभाना है। आज तक किसी भी स्टूडेंट को मैंने ये नहीं बोला कि तुम कहाँ का हो, चाहे मैं मिडिजी में था, लेकिन कभी भी देश का कोई भी स्टूडेंट को मैंने ये नहीं पूछा। जो मेरा हेल्प मांगा, जो मैं कर सकता हूँ मैं किया हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 15 पब्लिकेशन ऑनलाइन करके रखा हूँ, फ्री है। आज भी आपको आप चाहते हो गूगल में फ्री है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखो, हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसको निगलेक्ट करना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाए उसके बाद हम कुछ उसका ले यूज। आप जानते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसके हिसाब से हम प्रिवेंटिव मेजर लिया। जहाँ तक बात है अनअकैडमी, हाँ मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया हूँ, और मैं इसमें भी जो देखा, जो लोगों ने, जो टॉप मैनेजमेंट, गौरव मुंजाल सर, कुश सर, बासु सर, ये लोगों ने हमें ऐसा टीम के साथ इंट्रोड्यूस किया जो एक्सेलेंट टीम है। ये गेट आईएएस हमारा जो सेक्टर है, इसमें मैकेनिकल में हमारे पास बहुत ही अच्छा टीम है, उस टीम के साथ मुझे सर्व करने का मौका दिया, इसलिए मैं उनको सच्चा दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उनके लिए भी मैं उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बाकी जो अनअकैडमी का लोगों से मेरा आज तक इंट्रोडक्शन हुआ है, मैंने देखा कि दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक यंग पीपल, यहाँ पे भी काम करके बहुत मजा आएगा, ये मैंने अनुभव किया है। और अगर ये अनुभव किया है तो इसका मतलब जो है आप हमें अनअकैडमी की ऐसे बहुत अच्छा तरीका से हम स्टूडेंट को गाइड कर पाएंगे। देखो, मेरे लिए बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है। एंड मैं किसी भी जगह में रहूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहूं, मैं स्टूडेंट के लिए काम करता हूं, करता था, करता रहूंगा। आपको कोई भी ज़रूरत हो, एक व्हाट्सएप मैसेज अवे, मेरा नंबर फेसबुक में भी ओपन है एंड सबके पास ओपन है, आप सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। जैसे आप मैसेज कर देंगे तो उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को मैं रिप्लाई नहीं दिया। पिछले साल मैंने 1.5 लाख व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई दिया हूँ। तो इसमें आपको पता चले कि मैं किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको आंसर दूंगा। मेरे तरफ से जो पॉसिबल होगा मैं उसको आपको हेल्प करूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। और आज रात को 7 बजे 7 PM इवनिंग, आज 7 PM इवनिंग मेरा लॉन्चिंग है अनअकैडमी में। तो ये लॉन्चिंग इवेंट को देखने के लिए आप ज़रूर आइए, ऑनलाइन में ही होगा। ओके, तब तक खुश रहे, निश्चिंत रहे, मंडल स्टूडेंट के साथ हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। धन्यवाद।